दशहरा के पवित्र अवसर पर उत्तर प्रदेश के श्री दंगल प्रतियोगिता में आपका स्वागत करते हुए बाई तरफ पर पूर्व सांसद बलराम त्रिपाठी जी के पहलवान, कर्नाटक के हुबली शहर से राजीव पाटिल और हमारी दाहिनी ओर लखनऊ के सांसद ओम प्रकाश शुक्ला जी के पहलवान महिंदर सिंह। ये दोनों पहलवान उत्तर प्रदेश की धरती के शेर हैं। दर्शकों अपनी धड़कने ठान लीजिए, खेल शुरू हो गया है और शुरुआती दौर में राजीव पाटिल कमजोर दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं आगे कौन किस पर भारी पड़ता है। दोनों पहलवान एक दूसरे को पछाड़ने की पूरी कोशिश करते हुए साले को मसल के रख दे। क्या कर रहा है? मुझे लगा था कि शेर की तरह उसको चीर देगा, लेकिन ये तो चूहे की तरह दंगल रहा है। हराम खोर खा खा के भैंस हो गया। हाँ, पटक उसको। शाबाश। ए, मैं तुझे यहाँ मार खाने के लिए नहीं लाया हूँ। फिलहाल आधा नंगा है, लेकिन अगर हार गया ना तो पूरा नंगा करके तेरा जुलूस निकालेगा और रातों रात वायरल हो जाएगा तू साले। जा, जीत गया, चल, जा, त्रिपाठी, और कितनी देर तक काना फूसी करेगा रे? चल, जा। देखा ना, बजा डाला। बजाएगा तू? बजरंग बली की कसम, इतना बड़ा तीर मारूंगा ना, याद रखेगा तू। देखते देखते दोनों पहलवान आमने सामने, दंगल फिर से शुरू। राजीव का ये पैंतरा महिंदर की समझ में नहीं आया और उसे पछाड़ दिया। महिंदर पलट बार करने गए लेकिन मुंह की खाई। अरे ओ शुक्ला जी, शुक्ला जी, शुक्ला जी, अरे जीत गए तो एक सेल्फी तो बनता ना, एक सेक्सी सा सेल्फी। देख लूंगा तुझे अगले दंगल में, देख लूंगा उस्ताद कौन है तुझे मैं दिखाऊंगा। आज की ये शर्म नाक हार तेरे लिए मौत के बराबर है शुक्ला। जा कर शोक मना और मुझे जश्न मना दे। का निशानेबाज अरे उसकी खोपड़ी ही उड़ा डाली। अगर वो पहलवान मेरे बाजू में नहीं होता तो उसके बजाय आज मेरी ऊपर की टिकट कट जाती और वो गोली मेरे सर के बाहर होती। साहब, साहब, माफ करना साहब। मुझे पता है कि उन्हें गोली जानबूझकर उस दिशा में चलाई। गोली तो उस पहलवान को लगी लेकिन तेरा निशाना मैं था। चल बोल साहब, किसने सुपारी दी तुझे मेरी? मैं ओंकार शुक्ला, एक एमएलए नहीं बल्कि आपका सेवक हूं। खिलाड़ी है वो डैड, लोगों की नजरों में इस घटना को एक एक्सीडेंट बता देता और हाथों हाथ आपको मिटाने का मकसद भी आराम से पूरा कर लेता। बहुत सॉलिड प्लान बनाया था कमीने ने। सॉलिड प्लान बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसे अंजाम देने की औकात होनी चाहिए। एक बाण से एक ही रावण का वध कर सकते हैं, लेकिन हमारे समाज में बहुत रावण बसे हुए हैं। उसे क्या लगा मुझे मारना इतना आसान होगा? इरादे मजबूत हो तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, और मेरा ये मानना है कि आप सभी श्री राम के प्रतिरूप हैं और आप सभी के पास वोट नाम का राम बाण है, और अगर इस चुनाव में आप मुझे वोट देंगे तो मैं इन सारे दुष्टों का विनाश कर दूंगा और आप सभी को एक सुकून भरा जीवन प्रदान करूंगा। अगर कोई भी मेरा विनाश करना चाहता है तो उसे मुझसे भी बड़ा पापी होना होगा, मुझसे ज्यादा आतंकी होना होगा, मुझसे ज्यादा हिंसक होना होगा, और वो तभी वो मेरा अंत कर पाएगा। है कोई इस धरती का लाल जो मुझसे भिड़ सके? है कोई? नवरात्रि के अवसर पर मैं आपके घरों में खुशियों की उसके वार से भगवान ने मुझे तो बचा लिया, लेकिन अब मेरे वार से उस शुक्ला को कौन बचाएगा रे?
ताकत है बेटा। सर आप ठीक तो ठीक है ना? हनुमान जी ने संजीवनी पर्वत उठाकर लक्ष्मण की जान बचाई थी। इस हनुमान ने कटआउट उठाकर आज मेरी जान बचाई है। मुझे नया जन्म दिया है। दिल जीत लिया बेटा। आज से तेरा कटआउट इस दिल में रहेगा। वो सुपरमैन, आयरन मैन विदेशी फिल्मों में हीरोगिरी दिखाते हैं, लेकिन असली हीरो तू है बेटा, तू है। नाम क्या है तेरा? सर राघव है सर। ये मेरा बेटा है। और तुम्हारा नाम बेटा? अर्जुन। अच्छा। हम इसे प्यार से लड्डू बुलाते हैं। ये कौन? बचपन का दोस्त है सर। हनुमान जी की दुम की तरह मैं भी हमेशा इनके पीछे रहता हूँ। राघव, आज से तुम्हारे लिए मैं ही पुलिस हूँ, एम्बुलेंस हूँ, इंश्योरेंस हूँ, बैंक बैलेंस हूँ, 24 hours, anytime, anywhere। बेटा राघव, तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं चलता हूँ। जय राम जी, जय राम जी। बॉस, अपनी जान खतरे में डालकर कटआउट को गिरने से आपने रोका सिर्फ उस अंकल को बचाने के लिए। तो फिर अंकल वो इतना इमोशनल क्यों हो गए? मैं बताता हूँ तुम्हें लड्डू। श्री राम ने रावण का वध किया था सीता माँ को बचाने के लिए, उसी तरह राघव ने कटआउट को गिरने से रोका जिससे तुम्हें चोट ना आए। सच में? जय श्री राम। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राम जी का नाम लो, पधारेंगे श्री राम और उनके संग आएंगे हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम। विश्व रूपी विश्व व्यापी श्री राम है, इस जहां की नजरों में वो मिसाल है। जय श्री राम, जय श्री राम। वेदों में प्रशंसा श्री राम का, बजे विश्व में डंका, कण कण में बसे श्री राम। जय श्री राम, राम 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 राम। जय श्री राम, राम 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 राम। जय श्री राम, राम 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 राम। जय श्री राम, राम 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 राम। राम जी का नाम लो, पधारेंगे श्री राम और उनके संग आएंगे हनुमान।
भक्तों के हो अच्छे कर्म, नाम जपने से हो पाप खत्म, मिलकर का हो जय श्री राम। जय श्री राम 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 राम, जय श्री राम 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 राम, जय श्री राम 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 राम, जय श्री राम 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 राम। हो दंड दिया रावण को राम बाण ने, जीत में हनुमान ने, जय श्री राम 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 राम, जय श्री राम 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 राम। इस फोटो का 20x30 का फ्रेम बनाकर मेरे ना बेडरूम में लटका देना। रोज मैं इसकी फोटो देखूंगा और रोज मैं भजन गाऊंगा भजन गाऊंगा भजन गाऊंगा। साले उसकी फोटो का अचार डालू क्या मैं? साले उसके खोपड़ी के अंदर गोली क्यों नहीं घुसेड़ दिया उधारी? वहाँ एक ही कॉस्ट्यूम में बहुत सारे लोग थे साहब। वो बलराम त्रिपाठी के रास्ते में आया है, उसको ढूंढो और उसका बोटी बोटी काट कर लाओ। जाओ उसको खत्म कर दो। गेट आउट। कहाँ है बे तू? बॉस, मैं रेडी हूँ। आया आया बॉस। जल्दी आओ बॉस। हे तो चले बॉस। आज तो पक्का ऑफिस मिस। आगे 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 सॉरी सर। तेरा ये खटारा ऑटो रोकने के लिए तुझे यही जगह मिली थी क्या? जावे जगह है ना सर। मुझसे सवाल रहता है, जानता है मैं कौन हूँ? लखनऊ शहर का नंबर वन किक बॉक्सर। अगर एक दूंगा ना तो तेरा सारा पुर्जा हिल जाएगा। चल निकल यहाँ से। सर 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 निकलता हूँ सर। निकल यहाँ से। हाँ सर। बॉस बस एक मिनट रुको ना, बेचारे की गाड़ी स्टार्ट करके आता हूँ। हाँ ए बॉस, तुमने सुना नहीं क्या? वो तो एक किक बॉक्सर है, गाड़ी को किक मारना तो उसे आता ही होगा। चलो 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 चलो। जयराम जी ये दूध कम पानी ज्यादा है, तेरी वजह से मुझे कितनी गालियाँ। इतना टाइम लगता है बर्तन लाने में, अगर दोबारा इतना लेट हुआ ना तो अगली बार वेटिंग चार्ज भी लगाऊंगा। सॉरी भैया। सॉरी हर दिन बोलने से मेरा टाइम वापस नहीं आ जाएगा। क्या भैया दूध में बहुत पानी मिला हुआ है। अगर पी सकते हो तो पी लो, वरना इसी से अपना मुंह धो लेना। तुम जितना पैसा देते हो ना उतने में तो तुम्हें यही मिलेगा। चल हट बे। बेचारे गोपाल भैया। अरे अरे स्कूल के लिए देर हो रही है। चलो चलो चलो। बॉस। क्या बॉस? बदला लेना अच्छा नहीं होता बॉस। अरे इन्हें पता चल गया क्या? हाँ बॉस, परसों ही हमने वो वीडियो देखा था ना, तुम्हें याद है क्या? कौन सा बॉस? अरे बॉस वो वीडियो जहाँ सिर्फ एक कुत्ता भौंक भौंक कर शेर को भी डरा के भगा देता है।
हाँ, याद आया। उस वीडियो से हमें क्या सीख मिलती है? उस वीडियो बनाने वाले को डांट लगाने का मन किया। इंसानियत नहीं है क्या? झगड़ा रोकने की बजाय वीडियो बना रहा है खड़ा होकर। हे भगवान, हमें दो चीजें सीखने को मिलती है। नंबर वन, भले ही शेर क्यों ना हो, अगर चुपचाप बैठा रहेगा तो गली के कुत्ते भी उस पर भौंकने लगेंगे। नंबर टू, चाहे कुत्ता ही क्यों ना हो, अगर वो निडर है तो शेर भी डरकर पतली गली से निकल जाएगा। ये सब तुम्हें समझ में नहीं आएगा, बुद्धू 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 हो तुम। अगर ऐसे डर के जियोगे ना, सारे बुरे लोग हमें संतरे की तरह मसल कर रख देंगे। चलो अब संभल कर घर जाओ, बाय। हे भगवान। नमस्ते तिथि भट्ट जी। भाई साहब, मेरा नाम तिथि भट्ट नहीं है, हाँ। विश्वनाथ भट्ट है। पर पूरे लखनऊ शहर में लोगों की तिथि पर बेस्ट साउथ इंडियन भोजन बनाने वाले सिर्फ आप ही हैं। वैसे 11 तारीख को फ्री हैं आप? किस लिए? मेरे नाना जी ICU में हैं और उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि उनकी अंतिम क्रिया पर सिर्फ आपकी ही केटरिंग होनी चाहिए। ये लीजिए आपका एडवांस, चलता हूँ मैं। जी बिल्कुल। हाँ जीजू, बाहर अमृता केटरिंग सर्विस का बोर्ड हटाकर तिथि केटरिंग सर्विस का लगा दूं क्या? उड़ा, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा। वैसे आज ही अमृता होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा करके लंदन से वापस आ रही है, और उसके आने के बाद हम लंदन में भी केटरिंग करेंगे। मेरी पत्नी का भाई है इसलिए मैं चुप हूँ, नहीं तो सबसे पहले तुम्हारी तिथि निकलवा देता। चलो जाओ, राघव को बुला कर लाओ। वो अभी तक आए नहीं है, आप मुझे कहिए, मैं उसे बोल दूंगा। कुछ काम के सिलसिले में मैं बाहर जाकर आता हूँ। राघव से कहना कि गाड़ी लेकर एयरपोर्ट चला जाए और अमृता को पिकअप करके यहाँ ले आए। ओके ऑनर। हाँ, और फिर बाबू को ऑटो लेकर सिटी मार्केट जाने बोलना, वहाँ से सब्जियाँ लानी है। sure. अमृता को पिकअप करने जाना है ये बोलना बिल्कुल मत भूलना। रेस्ट इन पीस। अमृता को ऑटो में पिकअप करना है और सब्जी लेने गाड़ी में जाना है, समझ गया। जयराम जी की। जयराम जी की। ये अंदर है। मोहनदास जी, आपने दवाइयां मंगवाई थी ना? थैंक यू बेटा। मदन मोबाइल देख रहा है या खाना बना रहा है? इसमें चिल्लाने की क्या बात है, उल्टा तुम्हें तो मेरे टैलेंट पर गर्व होना चाहिए कि मैं मोबाइल देखने के साथ साथ खाना भी बना सकता हूँ। साउथ की ये डब फिल्में देख देख कर मैं तो आंखें बंद करके भी खाना तो क्या गोली भी चला सकता हूँ। ए, थोड़ा नमक डालना। ठीक है, डालना। ए, अग्नि। अरे क्या है, मुझे अपना काम करने दोगे या परेशान करते रहोगे? एक तो वो होटल का मालिक ये हुआ ये नहीं हुआ बोल के दिमाग खराब करता है, ऊपर से तुम अग्नि अग्नि करके जान खाते हो। धंधा पानी कुछ है नहीं, पता चला कि तुम सब ने मिलकर मेरी ही अंतिम क्रिया कर दी है। ये तो मैं शांत स्वभाव का हूँ इसीलिए सबको झेल रहा हूँ, मेरी जगह कोई चिल्लाने वाला होता तो कैंटीन को आग लगा देता। अरे कैंटीन को बाद में आग लगाना, पहले अपने हाथ की तो बुझा। बाप रे, आग आग। राघव यार, वो गांव में वीडियो कॉल करके बात करनी थी लेकिन कोई भी अपना मोबाइल नहीं दे रहा है, सब साले कंजूस हैं। जरा तू अपना मोबाइल मुझे देना। मेरा बेटा लड्डू रात भर रिवेंज करता रहता है और पबजी खेलता रहता है, इसलिए मैंने फोन से नेट ही हटा दिया। नेट ही नहीं है? चलो ठीक है। जरा एक मिनट, घर वालों को कॉल तो लगाना होगा ना? तो अब क्या करोगे? अब क्या करना है, अपना नेट पैक ऑन करूंगा और कॉल करूंगा। साला 200 MB खत्म हो जाएगा यार। और ये दूसरों को कंजूस बोलता है। चल, ऐसे लोग हमारी केटरिंग में। ए, रुको रुको रुको, वो देखो तेल। ये तेल किसने गिरा दिया? रुको मैं अभी पूछ देता हूँ। अरे रुको ना, लगता है तुम्हें फंसाने के लिए किसी ने ये जाल बिछाया है। उधर देखो, मतलब अरे वो चाहती है कि तेल के कारण तेरा पैर फिसल जाए तो उस पर गिर जाए। कमला। अभी आई राघव। अरे भाई, ये तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। अरे छोड़ो ना राघव, छोड़ो मुझे। ए, उसने कहा तुम्हें पकड़ के रखा है, तुम ही उससे चुंबक की तरह चिपकी हो। गर्मी लग रही है क्या? चुप हो जाओ, इडली बनाने की तैयारी करो। सब लोग यहाँ सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं। स्टॉप स्टॉप, तो राघव महाराज क्या चल रहा है? अरे भाई कहिए। जीजा जी ने तुम्हें कुछ बताने के लिए कहा था।
एयरपोर्ट लेने गया है कि लंदन? क्या मतलब है आपका? ट्रैफिक नाम की भी कोई चीज होती है ना, मेरे पास हर चीज का जवाब है क्या? खुद को वेट नहीं करना है ना, तो खुद ही लेने क्यों नहीं चले जाते, किसी और को क्यों भेजते हो? ये तो मेरा स्वभाव शांत है, इसीलिए सबको झेलता रहता हूँ। इसे शांत स्वभाव कहते हैं, माफ करना। मालिक, बिटिया आ गई। ये क्या बेटा, तुम ऑटो में क्यों आई हो? ये बात मुझे आपसे पूछनी चाहिए, आपको मुझसे नहीं। राघव कहाँ है? हे राघव, तुम पीछे क्यों बैठे हुए हो? क्या बेटा? जयराम जी की माँ जी। जयराम जी। मैडम। लगेज के लिए ऑटो लाने की क्या जरूरत थी, गाड़ी में ही ले जाएंगे ना? ये सिर्फ लगेज वाला ऑटो नहीं है मैडम, आप भी इसी में बैठेंगे। What? इस ऑटो में बैठकर जाना है? नॉनसेंस। मैडम, अगर आप टैक्सी से जाएंगी तो मालिक मुझ पर बहुत चिल्लाएंगे मैडम। तो क्या, मैं इसमें बैठकर जाऊं? रबिश। मैडम प्लीज 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 मैडम, ये प्लीज मैडम प्लीज। वेयर डू आई सिट? बस थोड़ी दूर, बस एक चश्मा। स्टॉप! मैं किसी के साथ ऐसे चिपक चिपक कर नहीं बैठ सकती। क्यों मैडम, स्किन एलर्जी है क्या आपको? कहिए तो दवा ले आऊं। मैं टैक्सी ले रही हूँ। रुकिए मैडम। क्या रुकिए मैडम, हाँ मुझे रोकने वाले तुम होते कौन हो? Who are you? गलत मत समझिए मैडम, मालिक बहुत नाराज हो जाएंगे। आपको सुरक्षित घर पहुँचाने की जिम्मेदारी दी है मुझे, प्लीज समझिए मैडम, प्लीज मैडम। ओके फाइन, अंडर वन कंडीशन, ऑटो चलाते वक्त हम दोनों ऐसे चिपक चिपक कर नहीं बैठेंगे। फिर तो मैडम आगे सिर्फ एक ही आदमी बैठ सकता है। फॉरेन रिटर्न बच्चों का माँ बाप बहुत धूमधाम से स्वागत करते हैं, लेकिन ऑटो भेजकर वेलकम करने वाले आप पहले पिता होंगे। अरे, 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 मैंने ये ऑटो नहीं भेजा था, तुम्हारे लिए गाड़ी भिजवाई थी। ए राघव, गाड़ी कहाँ है? ये सब क्या चल रहा है? मैंने क्या कहा था और तुम लोग क्या कर रहे हो? सॉरी जीजू, वो 1:30 ज्यादा हो गया ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया। क्यों मार रहे हो मुझे? अरे बदमाश कहीं के, लोन लेते हो ये बोलकर कि इंटरेस्ट दोगे, लेकिन इंटरेस्ट देने के वक्त क्या हो जाता है बे? सिर्फ 25,000 रुपए लिए थे मैंने, जिस पर 40,000 ब्याज दे चुका हूँ मैं। ए, भाई से ऊंची आवाज में बात करता है साले, शाना बनता है। हाँ चलिए ना, अंदर चल के बात करते हैं। चलिए चलिए। सब चलो, क्या कर रहे हो? चलो। अरे बॉस बॉस, अंदर चलो ना बॉस। अरे रुको ना बॉस, अभी तो फाइट शुरू हुई है, पूरी देख कर चलेंगे। हमें सब क्यों देखना है? चलो अंदर चलो ना बेटा। क्या बॉस, तुम भी टीवी पर जब मैं एक्शन पिक्चर लगाता हूँ तो तुम आकर कार्टून लगा देते हो। मोबाइल में बॉक्सिंग गेम खेलता हूँ, हाँ तब तुम कार रेसिंग खेलने को बोलते हो। एक बात बताओ, तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई लफड़ा वफड़ा नहीं हुआ है क्या? कभी किसी को मारा वारा नहीं है क्या? किसी को बताना मत बॉस, लेकिन मुझे मारपीट से डर लगता क्या है। क्या बोलो, चलो चलो अंदर चलो। ए, इसको देखा है कहीं? कहीं दिखा तो बोल मुझे। रुक, इसको कहीं देखा है क्या? ठीक से देख के बताना। उधर देख। चल, चल, चल। क्या? लड्डू। अरे कहाँ गया ये? बॉस, क्या हो गया बेटा? डियर चिल्ड्रेन, देयर इज अ पिक एंड टॉक कॉम्पिटिशन टुमारो, दोज हु आर इंटरेस्टेड प्लीज गिव मी योर नेम्स। मिस, आई आल्सो वांट टू पार्टिसिपेट। यस ऑफ कोर्स। मैम, कैन वी कम टू द स्कूल विद आवर लगेज? लगेज?
Why लगेज? मिस अर्जुन को तो सिर्फ मिस बोलने के लिए एक घंटा लगता है, तो पिक एंड टॉक के लिए तो पक्का एक हफ्ता लगेगा ही लगेगा। हर एक मौका मिलने पर सब मेरा मजाक उड़ाते हैं पापा, मुझे बहुत बुरा लगता है। आपको जोर से गले लगाकर रोने का मन करता है, लेकिन आप तो पूरे दिन काम पर होते हो, तो फिर मैं खुद ही रोकर चुप हो जाता हूँ पापा। मैं ठीक से क्यों नहीं बोल पाता हूँ, क्या ये मेरी गलती है? नहीं बेटा, वो मेरी गलती है। मुझे हकलाने की प्रॉब्लम है ना, तो मेरी वजह से वो तुम भी ठीक से नहीं बोल पाते। इसकी वजह सिर्फ मैं हूँ। रोने का नहीं बॉस, रोना नहीं, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं तो मुझे सिर्फ इतना सा ही दुख होता है, लेकिन अगर तुम रहोगे तो मुझे बहुत दुख होगा, समझे ना? आज के बाद अगर वो मेरा मजाक उड़ाएंगे भी तो मैं नहीं रहूंगा, बिल्कुल नहीं रहूंगा। बॉस, ये सब तो प्रॉब्लम ही नहीं है यार। वहां देखो विघ्नेश्वरा, हम सब उनकी पूजा करते हैं ना, मुझे और तुमको मात्र बोलने की प्रॉब्लम है, लेकिन उनकी लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयां थी, लेकिन उन्होंने हर एक कठिनाई का डट कर सामना किया और उन्हें हर मुकाम पर विजय प्राप्त हुई, और आज हम कोई भी बड़ा काम करने से पहले सिर्फ इन्हीं का नाम लेते हैं। बॉस, तुम आइंस्टाइन को जानते हो ना? जानता हूँ। वो कितने बड़े साइंटिस्ट थे ना, लेकिन जब वो तुम्हारी उम्र के थे उन्हें बोलना ही नहीं आता था, पता है? सच में? लेकिन उन्होंने इन बातों की बिल्कुल भी परवाह ना करते हुए सबका डट कर सामना किया और पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया, पता है? सच कहें तो तकलीफ कभी भी इंसान के शरीर में नहीं होती है, मन में होती है प्रॉब्लम। अगर हम उसे अपने मन से निकाल फेंके तो हम आसमान भी छू सकते हैं। करेक्ट बॉस, मैं अपनी प्रॉब्लम को आज और इसी वक्त अपने मन से निकाल दूंगा, और कल पिक एंड टॉक के लिए मैं अपना नाम दूंगा। इस केटरिंग सर्विस में इतने सारे लड़के काम कर रहे हैं, लेकिन सच बोलूं मुझे तुम में से कोई भी पसंद नहीं आया। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है मैडम, आप कहीं और से लड़का ढूंढ लीजिए ना। शट अप, आज से आप सब लोग मेरे रूल्स फॉलो करेंगे, आज से आप सब लोग ड्यूटी के समय यही यूनिफॉर्म पहनकर काम करेंगे, साथ में बैच बेल्ट टाई वाटर बॉटल सब दे दो, पहनकर स्कूल भी चले जाएंगे। अग्नि सॉरी, यहाँ एक दूसरे से कम्युनिकेट करते समय आप सब वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करोगे। हाँ, और एक बात, ये वाला ऑर्डर बहुत बड़ा है, तो इसके लिए मेन कुक राघव नहीं मैं होंगी। ये क्या मैडम, ना कोई नोटिस दिया ना आपने इन्फॉर्म किया, बस डायरेक्ट डिमोशन कर दिया। ऐसा करेंगे तो हम सब हड़ताल पर चले जाएंगे। वायलेंस से ज्यादा साइलेंस बेहतर होती है, ऐसा बड़ों का कहना है, प्लीज चुप रहो। ओह, जरा इनका स्टाइल तो देखो, साइलेंस और वायलेंस, वाह बहुत हुआ। अब आज से तुम दोनों कटिंग टीम में हो, तुम तीनों मैरिनेटिंग टीम में, आप दोनों बेकिंग टीम, एंड यू गाइस कुकिंग टीम। ओके, और हम? फिलहाल मेरी कुकिंग टीम में तुम दोनों के लिए कोई भी जगह नहीं है। वैसे एक काम कर सकते हो, तुम पानी भर लो और तुम इसकी मदद करो। लेकिन मैडम, ओके मैम। Put 3 tablespoons of salt. Okay. I repeat, 3 tablespoons of salt. English समझते हो ना? समझता हूँ। आई बड़ी मुझे English सिखाने वाली। I do English, day night English. Tablespoon मतलब table पर पड़ा हुआ spoon, और क्या? Hey. One, two, three. आ
आंखों पर पट्टी बांध कर तल रहे हो क्या? हमेशा पापड़ तलते वक्त तेल 150 टू 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होना चाहिए। फिर 0.1 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर पापड़ को तेल में डालना चाहिए। फिर 24 इंच लंबी और 2 इंच मोटी करची से पापड़ को 7 सेकंड के लिए डिप करना चाहिए और फिर उसे उठाकर 20 सेकंड तक हवा में रखने के बाद 0.2 किलोमीटर पर आर की स्पीड से डब्बे में डाल देना चाहिए। अंडरस्टैंड मैडम? मैं भी राघव के साथ पानी भर लेता हूँ, धन्यवाद। मेरी हर एक इंस्ट्रक्शन याद है ना? सब लोग नीट। हाय अमृता। हेलो सर। हेलो, ऑल सेट? यस सर। शैल आई टेस्ट इट? यस सर, प्लीज। या वाओ वाओ। अगर ये खाना हम बॉर्डर पर खड़े हमारे दुश्मनों को खिलाएंगे ना तो युद्ध का मसला अपने आप ही सुलझ जाएगा। सच में सर? या इसे खाते ही सबकी लाशें बिक जाएंगी, युद्ध करने की जरूरत नहीं होगी। डिस्कस्टिंग। साउथ इंडिया से आए मेरे गेस्ट को ये खाना खिला दिया ना तो वो डस्टबिन में नहीं बल्कि मेरे मुंह पर इसे फेंकेंगे। केटरिंग का कोर्स करने में और खाना बनाने में बहुत फर्क होता है। बस बहुत हुआ, यू मे लीव फ्रॉम हियर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर। यस सर, थोड़ी मिस्टेक हो गई। आपके फंक्शन का बनाया हुआ खाना मेरे पास है और गलती से मेरा बनाया हुआ खाना यहाँ आ गया। आप एक बार इसे टेस्ट कीजिए प्लीज। नाइस, वेरी गुड। सब मैडम ने बनाया सर। रियली? सॉरी अमृता, मैंने खामखा टेंशन में आकर तुम पर। इट्स ओके सर, नो प्रॉब्लम। सच में मुझे माफ कर दो। और सुनो मिस्टर, तुम्हारी की हुई गलती की सजा अमृता को भुगतनी पड़ी। अगर काम करने में मन नहीं लगता तो काम करने आते क्यों हो? सॉरी सर। प्रिया, इन्फॉर्म द गेस्ट। ओके सर। अरे सब लोग खड़े घूर क्या रहे हो? चलो ये खाना गाड़ी में शिफ्ट करो और गाड़ी में रखा खाना यहाँ ले आप। चलो चलो ठीक है। थैंक यू राघव। मैडम एक बात कहता हूँ, बुरा मत मानिएगा। अच्छा खाना बनाने के लिए मेजरमेंट, यूनिफॉर्म सब बेकार है। बस मन में सच्चा प्यार होना चाहिए, फिर चाहे कोई भी खाना बनाए स्वादिष्ट ही होगा। हे बाबू। भाई गली गली घुसकर ढूंढाए भाई, मैंने पूरे एरिया में एक भी नॉनवेज होटल खुला नहीं है। दारू के साथ नॉनवेज ना होने का मतलब बिना लड़की के सुहाग रात मनाने जैसा है। ए गब्बर। हाँ भाई। बता फ्रिज में चिकन पड़ा है क्या? पड़ा है ना भाई। कौन है भाई? ये टाइम है किसी के घर में घुसने का? यहाँ सुबह जल्दी उठ के गधे की तरह काम करना पड़ता है, फिर रात में साउथ की डब पिक्चर देखकर सोता हूँ और तुम मेरी पिक्चर के बीच में आके परेशान कर रहे हो। ऐसे डिस्टर्ब मत किया करो, वो तो मेरा शांत स्वभाव, इसीलिए किसी को कुछ बोलता नहीं, सब कुछ झेलते रहता हूँ दिमाग ठंडा रख के। ये देखिए मालिक। अरे क्या हुआ? ये क्या चाहिए आपको? मस्त गरम मसाला सब डालकर चिकन फ्राई बना कर लिया। ये सब यहाँ नहीं बनता है, यहाँ सिर्फ वेज खाना बनता है। क्या बोला? यहाँ ये सब नहीं बनता है, आप जा सकते हैं। ये डेड बॉडी है बावर्ची, तुम इस पर मस्त मसाला लगा के इसका अंतिम संस्कार कर देना और फिर मैं इसे अपने पेट में दफना दूंगा। ये काम यहाँ नहीं होगा, आप बाहर जाइए। डैड व्हाट्स हैपनिंग? हु द हेल आर दीस पीपल? डैडी की ये बच्ची सच्ची मुच्ची अच्छी, आपका क्या नाम है? Will you people just get out? Otherwise I'll call the police. लल्लन भाई है मेरा नाम, डायल करके देख ले, पुलिस रॉन्ग नंबर बोल के काट देगी। भाई इस चिकन को साइड में रखो, जरा इसको तो देखो क्या लग रही है भाई। छू कर देखूं क्या? लफड़ा नहीं चाहिए। ओए इन फुकरों की टीम में बाहुबली भी है रे। गुस्सा आ रहा है? मारेगा मारेगा? नहीं भैया। तू तोतला है? अरे बाहुबली तोतला है। आपको क्या चाहिए भैया? कड़क चिली डाल के
चिकन फ्राई मांगता है। मैं बना के दूंगा। राघव ये तुम मालिक, आपसे विनती करता हूँ, मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए। इन मैडम के साथ एक सेल्फी खींच लो क्या भाई? खींचो खींचो। लीजिए भैया। गब्बर चल रहे। तू जानता है तूने क्या किया है? इस जगह की पवित्रता याद नहीं है क्या? पवित्रता से बढ़कर इंसानियत होती है ना मालिक। हम सबका खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन कठिन समय में हम सब संयुक्त हैं। मैं नहीं जानता कि मैंने सही किया या गलत, लेकिन एक बात तो निश्चित है मालिक, किसी की मदद करना पाप नहीं होता, और ऐसे पापियों का अंत जरूर होगा और अच्छाई की जीत होगी। लेकिन बस सही समय की प्रतीक्षा कीजिए। अरे भाई क्या हुआ? पता नहीं गब्बर, ये हाथ बहुत दर्द कर रहे रे, ऐसा लग रहा है जैसे ये हड्डी टूट गई हो। अरे कैसे टूट गई भाई? साला वो बावर्ची ने मेरा हाथ पकड़ा था ना, बस तब से ही दर्द किए जा रहा है। सिर्फ हाथ पकड़ने से ऐसा कैसे हो सकता है भाई? नहीं पता रे, मगर वो हाथ किसी बावर्ची का नहीं हो सकता, पक्का किसी बड़े खिलाड़ी का हाथ है। बचाना है कमला, तुम्हें जब भी मौका मिलता है तू मुझसे चिपकने लगती हो। मैं क्या करूं राघव, तुम्हें देखते ही इस तरह से कस के पकड़ने का मन करता है। बोलो क्या काम है तुम्हें मुझसे? वो हाँ, क्या तुम्हें मेरा पूरा नाम पता है? हाँ पता है, कमला चंद्रशेखर है। क्यों क्या हुआ? मेरे नाम के आगे से चंद्रशेखर मतलब मेरे बाबा का नाम हटाकर वहाँ राघव यानी तुम्हारा नाम डालने का मन कर रहा है। मतलब तुम मुझे अपना बाबा बनाना चाहती हो? तुम्हारे पापा को बुरा नहीं लगेगा? कितने नादान हो कमला। हाँ यहाँ क्या कर रही हो? अरे यहाँ क्या करूंगी मैं मैडम, वो भी इस पागल के साथ। तू जाओ जाकर आज का लंच रेडी करो। जाओ ठीक है। हाय राघव। जय राम जी की। सब ध्यान से सुनो, हम इतने सालों से सिर्फ तिथि पर भोजन बनाते आए हैं, लेकिन आज हमें मंत्री जी के बेटे की शादी में साउथ इंडियन खाना बनाने का ऑर्डर मिला है, तो हमें अच्छा खाना बनाकर सारे गेस्ट को खुश करना है। बस समझ गए ना? तो चलो फिर। दिस इज फॉर यू। थैंक यू। एंड दिस इज फॉर यू। चलो खेलो। ए बेटा इधर आओ। देखो कितना क्यूट है, चॉकलेट खाएगा क्या? दम मारेगा क्या? ए क्या रे? अबे मैं लड़की की चाची का पति हूँ और मैं 40 साल का हूँ बेवकूफ, बस बाकियों की तुलना में मेरी हाइट थोड़ी कम रह गई। ए तो बच्चों के साथ टाइम पास क्या कर रहे हो, जाओ अपना काम करो। खुद बुलाता है फिर खुद ही जाने को बोलता है। मूड खराब कर दिया। जंगल जंगल बात चली है। ए बेटा 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 इधर 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 देखो कितना क्यूट है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अर्जुन। अर्जुन दैट्स सच अ नाइस नेम। चॉकलेट खाओगे क्या? नहीं थैंक यू। लड्डू वहाँ क्या कर रहे हो तुम? चलो किचन में चलो, पापा बुला रहे हैं। आया किचन में बुला रहे हैं। ए कौन है तेरे पापा? मेरे पापा राघव हैं, चीफ कुक। ए चीफ बावर्ची का बेटा, क्या क्या कर रहा है तू? चल भाग यहाँ से भाग। समझी, तो बताओ आप क्या करना है? रिवेंज, उसने अपनी शादी की ड्रेस पहनी हुई है, उस पर हम इंक फेंकेंगे। गुड आइडिया। हेलो निकल गया।
किशन। रीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तीन सालों से मेरे साथ घूम फिर रहा है और शादी उसके साथ करेगा धोखेबाज। रीना, calm down, मेरी बात सुनो प्लीज। अरे मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं? पापा के पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए मुझे सेंट्रल मिनिस्टर की बेटी से शादी करनी पड़ रही है, बस यही बात है। सिर्फ शादी उससे कर रहा हूँ, लेकिन जिंदगी तो तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा। मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? No baby, I won't. Trust me. किशन, भाई साहब आपको शायद कोई गलत फहमी होगी। भाई कैसी गलत फहमी? अगर ये बात बाहर गई तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी समाज में, और तुम तो इंसानियत को भी बेच चुके हो। भाई साहब बस बहुत हुआ, अपनी कुर्सी बचाने के लिए मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने चले थे ना, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि राजनीति क्या होती है। मैं हर रोज श्री राम की पूजा करती हूँ और आज उन्होंने ही तुम्हें भेजकर मुझे बचा लिया। थैंक यू बेटा। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मम्मा नहीं है, पापा। जयराम जी, ये लीजिए, इसके आगे की पढ़ाई में काम आएंगे। नहीं मैडम, बच्चे को 9 महीने तक अपने कोख में रखकर एक नारी जन्म देती है। जिन भगवान की हम पूजा करते हैं उनके समान है वो। मेरे बेटे के हाथों एक नारी का भला हुआ है, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। शुक्रिया। चलो बेटा। कौन हूं मैं चतुर्दशा भुवनों का अति भयंकर लंकेश्वर दशकंठा रावण हूं मैं। सर्वत्र सर्व स्वतंत्र स्वतंत्र अंतर स्वतंत्र। स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं नहीं दे रहे हो? ए, क्या बक रहा है रे? डैड, आप आगे ही नहीं बढ़ रहे हो। डैड, पौराणिक नाटक के डायलॉग को याद रखना, हलवा लगता है। क्या हुआ सर? मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं? क्या किया मैंने? ए साले, तुम दोनों बाप बेटे ने मिलकर मेरी इज्जत की पूरी धज्जियां उड़ा कर रख दी, और पूछता है कि मैंने क्या किया है? ए, वीडियो कॉल लगा। जी बोलो भाई, क्या करना है? सर, मैं हाथ जोड़ता हूँ सर, मेरे बेटे को कुछ मत कीजिएगा सर, माफ कीजिए सर। सर, सर मिलने तक तेरे बेटे को कुछ भी नहीं करेगा, डोंट वरी। लेकिन फिलहाल ये सोच रहा हूँ कि तुझे पहले ठोक कर फिर तेरे बेटे को मारू, या तेरी आंखों के सामने पहले तेरे बेटे को मारू और फिर तुझे। सर 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 सर, थोड़ा रहम कीजिए सर, आप मेरी जान ले लीजिए सर, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत कीजिएगा। आप कहेंगे तो मैं और मेरा बेटा ये शहर छोड़ के चले जाएंगे सर। ठीक है, मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा, बट वन कंडीशन। जी सर। हाँ, तो शर्त यह है कि तुझे इन पन्नों पर लिखे रावण के सारे डायलॉग्स कहीं भी बिना अटके एक ही सांस में बोलने हैं। अगर तूने सारे डायलॉग्स बिना रुके बोल दिए तो तुम दोनों को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तू कहीं भी अटका तो ये गदा तुझ पर बरसेगा। ले शुरू कर। मैं चतुर्दश यारे, रुकने का नहीं तोतले। उठ भी नहीं पा रहा है। मैं चतुर्दश भुवनों का अति भयंकर लंकेश्वर ।
का आखिरी मौका दीजिए सर। हाँ हाँ मैं चतुर्दश भुवनों का अति भयंकर लंकेश्वर दशकांत। इस बेचारे की कहानी तो खत्म हो गई। चलो उसको भी फोन कर और इसके बेटे को भी खत्म करने को। जी भाई। अरे लाइट को क्या हुआ? बोलो भाई, खत्म कर दूं? अरे बोलो भाई, क्या करूं? ए बोलना। अरे बोलना भाई। ए क्या हुआ, बोलना। ए कौन है वहा, कौन है? मैं चतुर्दश भवनों का अति भयंकर लंकेश्वर दशकंठ रावणा। सर्वत्र सर्व स्वतंत्र प्रभुत्व रावणा। ए कौन है? ए कौन है रे? ए कौन है? Bye.
डैड। कौन है तू? कौन है तू? मैं हूं चतुर्दश भवनों का अति भयंकर लंकेश्वर दशकंठ रावणा। मैं हूं सर्वत्र सर्व स्वतंत्र नदा प्रबुद्ध रावणा। इस पूरे ब्रह्मांड को अपने पल से हिलाकर रख सकता हूं मैं। मेरी एक हुंकार से सारी सृष्टि में प्रलय आ जाती है। महाज्ञानी, पराक्रमी, महाशक्तिशाली प्रचंड रावणा मैं हूं। प्रचंड रावणा। प्रचंड रावणा। अच्छा तो किसी ने तुम्हारा एक्सीडेंट कर दिया और तुमने उसे बदला तक नहीं लिया। तुम क्या किसी से बदला लोगे? उल्टा तुमने उस आदमी को कहा होगा कोई बात नहीं भैया, आपकी गलती नहीं थी, मेरी ही गलती थी, ऐसा बोलकर चले आ गए। रुको, मैं खिलाऊंगा। बॉस, क्यों परेशान हो रहे हो? सुबह जल्दी स्कूल जाना है ना, तुम सो जाओ। बॉस, तुम्हारी भी माँ नहीं है और मेरी भी नहीं है, लेकिन आज तक कभी भी तुमने मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, और इसलिए मैं भी जिंदगी भर आपका ख्याल रखूंगा। खा लो। एक्स मिनिस्टर बलराम त्रिपाठी और उनके ग्रुप पर अटैक हुआ है सर। लगभग 30 लोगों की लाशें मिली हैं सर। बलराम त्रिपाठी के हॉस्पिटल पहुंचते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। एनी क्लूज और आई विटनेस? नो सर। सूरज, इस सिटी में बलराम त्रिपाठी के जितने भी दुश्मन हैं, उन सब की एक लिस्ट बनाओ। सर, सिटी में उसकी बहुत सारे लोगों से दुश्मनी थी। इस सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है सर कि ये एक पूरी तरह प्लान किया हुआ हमला था, इसीलिए शायद कोई भी बच नहीं पाया। सभी सीसीटीवी फुटेजेस चेक करो। You might get something. Okay, sir. और त्रिपाठी के बेटे के बारे में कुछ पता चला? भाग गया क्या? सरकार, आपके बारे में सब जानने के बावजूद भी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोबारा ऐसा नहीं होगा सरकार, मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मेरे प्राण बख्श दीजिए सरकार। इस महल के झंडे में कौन सा रंग भरने से इसकी शोभा बढ़ेगी भंडारी? सरकार, कौन सा रंग भरने से इसकी शोभा बढ़ेगी भंडारी? रेड, लाल रंग भरने से शोभा बढ़ेगी सरकार। वाकई लाल रंग अच्छा लग रहा है सरकार। हे किशन बेटा, त्रिपाठी साहब की मौत की खबर सुनकर बुरा लगा। कौन है वो जिसने यूपी के शेर का शिकार किया? वो चाहे कोई भी हो, साले के घर में घुसकर ठोकूंगा उसे। अगर पाताल में भी छुपा होगा तो वहां से भी ढूंढ निकालूंगा। मैं उसे जानता हूँ सरकार, बस एक मामूली सा बावर्ची है। क्या वो एक बावर्ची है? हाँ, लेकिन उसे कमजोर समझकर नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है, पसीना छूटने लगता है। मुझे कांपने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तू किसी मामूली आदमी के सामने नहीं खड़ा है, इस सरकार के किले में आया है।
और बावर्ची को मेरे आदमी ठिकाने लगा देंगे। कहाँ मिलेगा वो? हमें लगा था कि दामाद जी हमारी बिटिया के लिए कर्नाटक आएंगे, लेकिन दामाद जी आपने तो हम सबको ही लखनऊ बुला लिया। Come on अंकल, रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर हैं आप, आपको तो पता है हम पर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। I can understand। वैसे मदन, चाहे कुछ भी कहो, यहाँ की अंतिम क्रिया की रस्म में और अपने यहाँ की रस्म में जमीन आसमान का फर्क है, क्यों है ना? ए, अंतिम क्रिया होती है, क्या मतलब है कि यहाँ अलग होती है वहाँ अलग होती है? यहाँ के लोग अगरबत्ती के बजाय पाइनएप्पल केक रखते हैं क्या? वो तो मैं शांत स्वभाव का हूँ, इसीलिए सबको झेल रहा हूँ। ए, ए, भागता कहाँ है बे? दिन रात बुढ़ा प्रवचन देता रहता है। ए, भूषण, हाँ? राघव कहाँ है? सिलेंडर। माना कि आपने जिनको भेजा है वो सब के सब राक्षस हैं, लेकिन वो उनसे भी बड़ा राक्षस है जो उन सबको खत्म कर देगा। सरकार की दृष्टि पड़ने से बड़े बड़े राक्षस कांप उठते, तो सोच एक बेचारे बावर्ची का क्या हाल होगा। कल घास चरने गई है क्या? मैं तो इतने सालों से लोगों की तिथि मनाता आया हूं, और तेरा नसीब तो देख, मुझे ढूंढते ढूंढते शमशान ही आ गया। समझ गए सर। क्या बेटा, सेलिब्रेशन के समय भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है अंकल, एक हाई प्रोफाइल केस है, कमिश्नर साहब से थोड़ा प्रेशर है। एनीवे सूरज, मीट माय फादर इन लॉ सत्यदेव शर्मा, रिटायर्ड कमिश्नर ऑफ पुलिस। सर, सर मैं चलता हूँ सर, बाय सर। ओके सूरज, कैन आई सी द पिक? श्योर सर। ये आदमी सस्पेक्ट है, परसों वो एक्स एमएलए का मर्डर हुआ था ना, उसी की इन्वेस्टिगेशन के दौरान बगल के एरिया की सीसीटीवी फुटेज में ये आदमी दिखा था। बेसिक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये आदमी एक कुक है, पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और इसका एक बेटा भी है, और इसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इसका नाम? राघव सर। ओह, इसका एक बेटा है कह रहे थे ना सन? यस सर। उसकी फोटो है? शो। ये इसका बेटा है सर। इसका नाम? अर्जुन सर। क्या हुआ अंकल? समथिंग इज फिशी। Can I get a sketch pen? Oh!
हेलो सरकार। क्या रे, कोई भी फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कैसे उठाएंगे सरकार, वो सबको ठोक चुका है, सिर्फ मैं ही बचा हूँ। क्या बकरा रे, मेरा भी नंबर आ गया। हेलो सरकार, मैंने कहा था ना कि उसे टपकाना इतना आसान नहीं है। पहले हमले से बात नहीं बनी तो क्या हुआ, सरकार दूसरे हमले के लिए भी तैयार है। जान टारगेट इनसाइट, वो अकेला ही चलकर आ रहा है, लेकिन मेरी फायरिंग रेंज में आने के लिए उसे 80 मीटर और आगे आना होगा, तभी मैं क्लियर शॉट ले सकूंगा। शाबाश मेरे शेर। सारा एक बावर्ची ने मेरे चार आदमियों को टपका डाला, चल उसको ठोकने से पहले उसके दर्शन तो करवा। कौन है वो, जरा दिखा तो, फोन निकाल, जरा फोटो दिखा। टीवी से कनेक्ट कर जल्दी। जॉन, उसने तेरे को देखा क्या? नहीं, पर वो मुझे दिख रहा है। इससे पहले कि वो तुझे देख ले, उसे जल्दी से शूट कर दे, नहीं तो बाकी सब की तरह वो तेरे को भी ठोक डालेगा। शूट कर उसको, शूट कर जॉन। करूंगा सर, बस 50 मीटर की दूरी है। 50 मीटर, 40 मीटर, 30 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर। टारगेट फिक्स, शूट कर उसको। शिट, क्या हुआ? वो मेरी रेंज से गायब हो गया सर। वो कभी किसी की रेंज में नहीं आता, उसकी रेंज ही अलग है। और अगर वो तेरी रेंज से गायब हो गया तो मतलब तू उसकी रेंज में आ चुका है, समझा? भाग ले वहां से जॉन। सरकार, आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? आप इस राघव को जानते हैं क्या? ये कोई राघव वाघव नहीं है। राघव तो उस बच्चे के पिता का नाम था। तो फिर ये कौन है? उस बच्चे के पिता का कातिल है ये, रॉबर्ट। रॉबर्ट, उस दुकान पर क्या मस्त वाली गन्स मिल रही है, दिलाओ ना प्लीज। गन्स अच्छी चीज नहीं होती बॉस, ढोल दिलाता हूँ, उससे खेलना। हाँ क्या यार बॉस, शराफत से माल हमारी गाड़ी में लोड कर दे। हम नाना भाई के लिए काम करते हैं, तेरे लिए नहीं। और वैसे भी ये पोर्ट नाना भाई के एरिया में पड़ता है, तुम लोगों को यहाँ एंट्री नहीं है। मेरे बाप के 2 अफेयर चल रहे थे, लेकिन उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। पता है मुझे किस बात से आपत्ति थी? पहले उन्होंने उस नाना को पैदा किया और फिर मुझे। अपने दोनों मुर्गों को एक ही तंदूर में सेक कर वो खुद चल बसे। भले ही हम दोनों का खून एक ही हो, लेकिन उसके सिकने का तापमान अलग है, याद रखना। Hey, what's happening? नाना भाई से पंगा ले रहे हो, पता है ना किसका सामना करना पड़ेगा? बाप को धमकी देता है? अरे उसका सामना करने के लिए ही तो पंगा ले रहा हूँ। इस बार मैदान में छोटे मोटे प्यादों को नहीं उतारा, राक्षसों को उतारा है। बता दे अपने नाना को, और जिससे सामना करने की तो बात कर रहा ना, उसे भी जाके बता।
ये इलाका तो क्या, नाना भाई के दूसरे इलाकों पर भी मैं कब्जा करने वाला हूँ। दम है तो रोक कर दिखा मुझे। डैड, वो सरकार आज अपने पोर्ट पर आया था, सारा माल लूट कर चला गया। वो सिर्फ हमारा माल ही नहीं, हमारी इज्जत भी लूट कर गया है। डैड, वो हमारे पोर्ट में कैसे घुस सकता है? उसे आपका कोई डर भी नहीं रहा क्या? इंसान का बदन सिर्फ दो बार कांपता है, एक जब उसे बहुत ठंड लगती है और दो खौफ के कारण। ठंड से इंसान का कांपना तो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन खौफ से इंसान का कांपना सिर्फ और सिर्फ नाना भाई के हाथ में है। सरकार को इस गुस्ताखी की सजा मिलेगी। छोड़ेंगे नहीं उन्हें, 100 आदमी भेजूंगा। तू भले 100 भेज या 1000, उसकी पूरी सेना का मकसद सिर्फ हमारे एक आदमी को मारना है। डैड, उसके आदमी कोई मामूली गुंडे नहीं है, वो अकेला कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। रोज बारूद से खेलने वाला पटाखों से नहीं डरता है, समझे? वो अकेला 100 पे भारी है। रॉबर्ट को खत्म करने के लिए बोला था और तूने इन सबको पकड़ लिया, कौन है ये लोग? हमने रॉबर्ट को हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। ये सब नाना के आदमी है, इन्हें बचाने वो जरूर आएगा। उसकी मौत का तमाशा मैं आपको दिखाऊंगा। कौन है बे तू? राधा, रॉबर्ट का दोस्त। ओ, तुझे इधर भेजकर वो कहाँ गया? डर के भाग गया क्या? ना वो कभी भागा है और ना ही कभी भागेगा, लेकिन तेरा आज जो हश्र होने वाला है वो तू सोच भी नहीं सकता। ऐसा क्या, रॉबर्ट आएगा क्या? वो तो कब का आ चुका है। कहाँ है बे वो? हाथ में हथियार है फिर भी पसीना छूट गया, तेरे इसी डर में मौजूद है रॉबर्ट। मारो! Yeah.
सही वक्त पर पहुंचकर माल और इज्जत दोनों वापस ले आए। लेकिन सरकार चुप नहीं बैठेगा, हमारे सारे दुश्मनों के साथ हाथ मिला लेगा वो। आज ये चाल चली है, कल कोई और चाल चलेगा। अलर्ट रहना सब। उस सरकार का गेम उसी दिन बजा डालते हैं, लेकिन आपने हमें फिर से रोक दिया। बेसब्री इंसान को बहुत कमजोर बना देती है, इसलिए धीरज रखना बहुत जरूरी है। रॉबर्ट, उसका हर एक आदमी बस तुम्हारी मौत चाहता है, होशियार रहना। चेरी, पिछले कई सालों से सरकार मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, जिंदगी भर भी कोशिश करता रहे, कुछ नहीं कर पाएगा। समझ नहीं आ रहा, शहर में गैंग वॉर के केस रोजाना बढ़ते क्यों जा रहे हैं? इस शहर के क्रिमिनल ताकतवर हैं या अपना डिपार्टमेंट कमजोर है? सर, अगर कोई कंप्लेन ही ना करे तो डिपार्टमेंट बिन दांतों के शेर जैसा है। मतलब? सारे शहर में नाना और सरकार के दो गैंग हैं, दोनों में 36 का आंकड़ा है सर। लेकिन इन दोनों की एक खासियत है सर, ये दोनों कभी भी पब्लिक के साथ लफड़े में नहीं पड़ते, इसीलिए इनके खिलाफ अब तक कोई कंप्लेन रजिस्टर नहीं हुई। और हैरानी की बात यह है कि नाना और सरकार सगे भाई, पहले दोनों मिलकर धंधा चलाते थे, फिर एक दिन नाना ने दो अनाथ बच्चों को गोद ले लिया, रॉबर्ट और राघव। उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया नाना ने और दोनों को धंधे में उतार डाला। रॉबर्ट के धंधे में उतरने के बाद सरकार की अहमियत दिन प्रतिदिन कम होती गई, इसी बात से नाराज होकर सरकार ने नाना के गैंग को छोड़ दिया और खुद का गैंग बना लिया। और आज दोनों भाई एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं, और तब से इन गैंग वॉर्स के केस बढ़ने लगे। वैसे ये रॉबर्ट और राघव हैं कहाँ? वो अभी तक आए नहीं हैं। किसी डोर से बंद कर जब आसमान में पतंग उड़ती है तो वो आसमान को अपनी जागीर समझ बैठती है, लेकिन डोर के कटने के बाद सीधा नीचे आ गिरती है। चलो सीधा मुद्दे पर आते हैं। पुराने कमिश्नर के साथ आप दोनों की क्या सेटिंग थी मैं नहीं जानता, लेकिन पुराने गैंगस्टर्स की मैंने जो हालत की थी वो सारा शहर जानता है। सर, बेहतर होगा कि आप सीधा मुद्दे पर आए। मैं खाना अपने हाथों से डायरेक्ट खाता हूं, चमचों के मुंह लगने की आदत मुझे नहीं है। आज तक तुम दोनों के खिलाफ कोई कंप्लेन दर्ज नहीं हुई है और इसी कारणवश तुम दोनों आजाद हो, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारे खिलाफ एक भी कंप्लेन मिली सबको उड़ा दूंगा। मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट क्यों करेगा? लेकिन ये आदमी रॉबर्ट को हथियार बनाकर गुंडागर्दी करता फिरता है। ये रॉबर्ट सिर्फ एक छोटा सा पौधा हुआ करता था, लेकिन ये छोटा सा पौधा इतनी जल्दी एक वृक्ष बन जाएगा मैंने सोचा नहीं था। और ये जहरीला वृक्ष दो भाइयों के बीच की दीवार बन चुका है भाई। एक पौधा कभी इतनी आसानी से वृक्ष नहीं बन जाता सरकार। जब वो छोटा पौधा होता है तब उसे कीड़े मकौड़ों से भी बचना पड़ता है, उसे तेज हवा और तूफानों का सामना करना पड़ता है। कई दिनों तक अगर बारिश ना भी हो तो भी बिना पानी के रहने की ताकत होनी चाहिए, कोई भी उसे पैरों तले रौंद के चला जाता है। अगर उस पौधे में ये सब बर्दाश्त करने की ताकत है तभी वो पौधा एक विशाल वृक्ष बन सकता है। शराफत से अपने सारे गैर कानूनी धंधे स्वीकार कर लो और पुलिस के सामने सरेंडर हो जाओ। अपने भविष्य के बारे में सोचो। हमारे भविष्य की बहुत फिक्र है आपको, या हमारा एनकाउंटर करके अवार्ड और प्रमोशन पाकर अपना भविष्य बनाना चाहते हो? ईंटों की फैक्ट्री का मालिक भले ही हर एक ईंट पर अपना नाम क्यों न छाप दे, लेकिन इमारत बनने के बाद उसका नामो निशान मिट जाता है। तुम्हारी भी वही हालत होगी। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारी मौत निश्चित है। मौत का नाम तो यूं ही बदनाम है सर, असली दर्द तो हमें जिंदगी देती है। रहा भविष्य का सवाल तो वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस में ज्यादा दम है।
कमिश्नर की जीप के सायरन में या नाना की गाड़ी के हॉर्न में। पेशेंट है क्या? तो क्या आप पेशेंट है? मैडम, पेशेंट मैं हूँ मैडम। दिखाइए मुझे। खोपड़ी फूट गई है और खून टपक रहा है। 10 टाके मार दीजिए। 10 टाके मारूं? नो नो नो, ये तो माइनर इंजरी है। मैडम, आपका इसमें क्या जा रहा है? 10 टाके लगा दीजिए ना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैसे देंगे बस। नर्स मैडम, चोट बड़ी हो या छोटी हमें नहीं पता, लेकिन टांके तो 10 ही लगाने पड़ेंगे। मैंने कहा ना कि माइनर चोट है, ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 टांके लगेंगे। Oh my God, अब 10 टांके पक्का ना। राघु भाई, एक मिनट पकड़ के रखिए। नर्स मैडम, आपने गलती कर दी। क्या मतलब? उसने जो किया वो सही था? जी मैडम, उन्होंने बिल्कुल सही किया। जी आप? मैं इनकी पत्नी हूँ, ये हमारी बेटी है। इसके स्कूल की फीस भरने के लिए मैं इसे पैसे देकर काम पर निकल गई, लेकिन इस राक्षस ने तो पढ़ लिख कर क्या तीर मारेगी ऐसा बोलकर मेरी बेटी को बहुत मारा और इसके फीस के पैसे लेकर दारू पीने गया। इसको 10 टांके लगने चाहिए क्योंकि मेरी बेटी को 5 टांके लगे हैं ऐसा बोलकर साहब हमें यहाँ ले आए। साहब बहुत अच्छे हैं, कौन करता है इतना। आपको एक बात बोलता हूँ मैडम, ध्यान से सुनना। बुराई को मिटाने के लिए अच्छे लोगों को भी बुरा बनना पड़ता है। क्या राघव, क्या मेरे बिना शुरू हो गया अकेले के लिए पीने? अरे बॉस, यहाँ पर अच्छे अच्छों की बैंड बजाते हैं हम। हाँ। लेकिन आज उस अकेली नर्स ने सबके सामने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा। राघव, ऐसी कैसी बात कर रहा है यार? तूने उसकी आंखों के सामने उस आदमी का सर फोड़ा ना। अरे तो काम बढ़ेगा तो चांटा तो मारेगी ना यार। लेकिन मैं कैसे छोड़ दूं? वो भी रिवेंज लिए बगैर? नो चांस। वो सबको इंजेक्शन लगाती फिरती है, अब मैं भी उसको इंजेक्शन लगाऊंगा। ए राघव, तू बिल्कुल पत्थर जैसा लड़का और वो फूल जैसी लड़की। अपने गुस्से को कंट्रोल करना यार। ये लड़की से क्या बदला लेना? नहीं नहीं, वो मैं नहीं जानता। मैं रिवेंज लेकर रहूंगा। आई एम कमिंग। हे 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 राघव, ये घर आने का कोई टाइम है? नहीं, सॉरी, लेट हो गया। तुम पी कर आए हो? नहीं, चल कर आया हूँ। हाथ मत लगाओ मुझे, अगली बार पी कर आए ना तो खाल उधेड़ दूंगी तुम्हारी। समझ गया मैडम। क्या समझे? कि यहाँ पी कर नहीं आ जाए, यहाँ से निकलने के बाद बाहर जाकर पीना है। तुम्हें तो मैं, अरे मर गया। आज अस्पताल में वजह जाने बिना मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया, बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, डर लगा। डर लगा क्यों? हमारी राक्षसों की सेना वहाँ मौजूद थी ना, कहीं उन्हें हमारे बारे में पता ना चल जाए, इसलिए डर गया था। राघव, अब क्या हुआ? पता है तुम्हें, वो सब इतने ढक्कन लोग हैं, हमें आज तक पकड़ भी नहीं पाए। जॉनी जॉनी। यस बॉस। Eating sugar? No, boss. Telling lies? Yes, boss. Open your mouth. Oh, boss. एक बात बता रहा था, पूरे 24 घंटे तू हमारे साथ था, तो ये सब कैसे हुआ? वो क्या है बॉस? You are a liar. You tell madam. भैया, जब ये हर दूसरे दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर निकल जाता था ना, तो समझ लो ये मेरे पास ही आता था। राघव, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। कर लो बात। आहा हा हा, बढ़िया। आधी रात को अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर बुलाकर हमें ढक्कन बनाते हुए जरा सा भी डर नहीं लगा, अब डर लग रहा है बॉस? Shut up. I am asking you, not you. You tell please. हम दोनों
एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं भैया। उठो उठो, मैडम तो बड़ी पॉजिटिव लग रही है भाई। तभी तो बॉस, मुझे इससे प्यार हो गया। किसी से प्यार करना जरूरी नहीं है, लेकिन उसका मरते दम तक साथ निभाना ये जरूरी है। मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है भैया, अगर टीवी में लव मैरिज का सीन आ रहा होता है तो टीवी ऑफ कर देते हैं। ऐसे में वो हमारी शादी के लिए कैसे राजी होंगे? अगर मन सच्चा हो तो भगवान भी साथ देते हैं, तुम्हारे पिताजी को हम मना लेंगे। बॉयज, कौन है बे अंदर? चल बाहर निकल बे, बॉस आया है। कंट्रोल कंट्रोल बॉस, हम आज यहाँ गुंडों से लड़ने के लिए नहीं आए, मेरी शादी फिक्स करने आए। सॉरी भूल गया था। आंटी आंटी, अंकल अंकल। कौन चिल्ला रहा है? मम्मा, होटल से वेटर लोग यहाँ आए हैं, जल्दी आइए। अबे अरे बॉस बॉस, मैं ट्राई करूँ क्या? हाँ आंटी आंटी। नमस्ते। ओ जी, कोई बैंड बजाने वाले घर में घुस आए हैं, जल्दी आइए। यार बैंड से अच्छा तो वेटर ही था। मैंने कब बुलाया बैंड वालों को? नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम पता है इस पूरे शहर में कौन है जो आपको नहीं जानता? सर आइए बैठिए। वॉइस No attitude. Soft, soft. Sorry, sir. अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। कोई बात नहीं, कहिए यहाँ कैसे आना हुआ? ये मेरे बचपन का दोस्त राघव है, आपके 10 गिनने तक ये 20 पहलवानों को धूल चटा सकता है। बहुत शक्तिशाली है, लेकिन आपसे बात करने में डर रहा है। चलो पूछो क्यों। हाँ। अरे पूछिए ना सर। बोलो क्यों। हमने डिसाइड किया है आपकी बेटी को अगवा कर। बॉस, अगवा करके नहीं, विदा करके बोलना था। सॉरी, वही बोलना था, विदा करके। मेरा ये दोस्त यहाँ से ले जाना चाहता है, लेकिन शर्मिला है ना, अपना हीरो और हीरोइन एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए तो दोनों की शादी कर देंगे, बस यही कहना था। सहमत है ना? अरे बेटा, इसमें मेरी सहमति की क्या जरूरत है? दोनों तैयार है तो मुझे क्या आपत्ति है? चलिए अभी ले जाइए घर। सर आप खुश तो है ना? मेरे पास ऑप्शन क्या है? गुंडों की फौज ले आए हो, अगर मैं नहीं मानूंगा तो ना जाने तुम मेरे साथ क्या करोगे। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं चप्पल से मार के भगा देता उसे। पापा आप गलत समझ रहे हो। मुंह बंद बिल्कुल। बचपन से तेरी परवरिश करता आया हूं मैं, तुझे कब और किससे शादी करनी चाहिए इसका फैसला भी बखूबी करना आता है मुझे। अगर तूने इस गटर के कीड़े से शादी की ना, तो एक दिन भी तू चैन की नींद नहीं सो पाएगी। जाने किसकी नाजायज औलाद है, गुंडागर्दी में मारा गया तो क्या करेगी? अगर मैंने ट्रिगर दबा दिया ना, तो अगले सेकंड आप मर भी सकते हैं। कभी भी किसी पुस्तक को उसके आवरण से नहीं पहचानना चाहिए। अगर मनुष्य अपना भाग्य खुद लिख पाता तो किसी के भी जीवन में संघर्ष नहीं होता। रॉबर्ट, एक आखिरी बात, अगर तुम्हें किसी की जिंदगी में हीरो बनना है तो किसी और की जिंदगी में विलन बनना होगा। अब फैसला तुम्हारा है, पिता की जिंदगी में विलन बनना चाहती हो या इसकी जिंदगी में विलन बनना चाहती हो? क्या हुआ बाबू? आत्महत्या करने जा रहा था, अगर इन लड़कों ने बचाया नहीं होता तो। बॉबी क्या हुआ? हाय हाय, तू
तू सबको यहाँ चाय देने आता है ना बेटा, तो चुपचाप चाय देकर पतली गली से कल्टी मारना। हर बार जब देखो लड़कियों के साथ चटर पटर क्यों करता रहता है तू? अरे मैं तो उन्हें जानता हूँ सर, वो मुझे बस में मिलती है। अच्छा, बस में सफर करते समय तू जेंट्स सीट पर बैठता है या लेडी सीट पर बैठता है? खाली सीट पर बैठता हूँ। सुन मेरी बात, तू लेडीज है तो तुझे लेडीज सीट पर ही बैठना चाहिए। ठीक है, कल से मैं लेडीज सीट पर तेरी बहन के बाजू में बैठूंगा, ठीक है? बहन पर जाता है हमारे सामने डेढ़ छाना बनता है। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। देखो तो कौन आया है। क्यों रे, तुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि तू हमारे सामने आकर खड़ा हो गया? हिम्मत ये देखकर नहीं आती कि हमारे सामने कौन खड़ा है, हमारे पीछे कौन खड़ा है ये देखकर आती है। कौन है वे तेरे पीछे? तो कौन है वो? वो मर्द की औलाद जो इसके कपड़े उतार के सबके सामने इसे जलील कर रहा था। हमने क्या यार, लेकिन हम तो बस चेक कर रहे थे कि ये आदमी है या औरत। आपको बता दो, आप बता दो। अपनी इस मर्दानगी का प्रदर्शन जरा मुझे भी दो ना। ए, हम बस बाहर से क्लास वाले लोग दिखते हैं, अपनी औकात पर आ गए ना तो फुल मास है। रुक, मैं देखता हूं इसे। दिखा दे आज। अगर और किसी को देखना हो तो उनका भी स्वागत है। मान मर्यादा की बात करूं तो वो पुरुष और नारी के लिए एक समान है। इस धरती पर जीने का जितना अधिकार तुझे और मुझे है ना, उतना ही अधिकार इसे भी है। दूसरों की इज्जत उतारकर मजे लेने वाला मर्द नहीं कहलाता है। जो किसी की इज्जत बचाता है सिर्फ उसे असली मर्द कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? ए लुखे, अगर तू फुल मास है तो मैं तो मास का बॉस हूं। ना बच्चा ना। रॉबर्ट भैया के लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर उनकी शादी करवा देनी चाहिए ना। क्या कहा तुम? रॉबर्ट की शादी करवाना चाहती हो? रॉबर्ट को शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं। चुप हो जा बेटा, कुछ दे दीजिए ना, कल से भूखे हैं। ये भगवान आपको सदा खुश रखे। चल बेटा चल। अरे सुनिए एक मिनट रुकिए जरा। क्या हुआ मैम साहब? इस बच्चे का नाम क्या है? इस बच्चे का नाम, वो इतना सोच क्या रही हो? ये तुम्हारा ही बच्चा है ना? हाँ ये मेरा ही बच्चा है।
ला, इसे यहाँ दो मुझे, ये मेरा ही बच्चा है, मैं तुम्हें क्यों दूंगी? रुको, सुनो मेरी बात। हेलो, क्या बात है, क्या हुआ? वो उस बच्चे की माँ नहीं है, उस बच्चे की डिलीवरी मैंने खुद की थी, मुझे अच्छी तरह से याद है, वो मेरी लाइफ की सबसे पहली डिलीवरी थी। ये देखिए, इसके हाथ पर त्रिशूल का निशान है, बहुत किस्मत वाला है। अरे कोई पापी मेरे पोते को उठा लेगा, मैं क्या करूं? I'm sure राघव, ये पक्का वही बच्चा है। साहब, आपने जो लक्ष्य दिया था मैं उतना नहीं कमा पा रही हूँ साहब। अगर इतना सुंदर बच्चा लेकर भीख मांगेगी तो इसे देखकर पैसे कौन देगा तुझे? वो सलिया लेकर इधर आ। तो अभी देखो तुम कितने पैसे कमाओगी। ए, कौन है बे तू? यहाँ का पता कैसे मिला रे तुझे? आ छोड़ बे। इन बच्चों को कहाँ से लाया तू? हाँ, मेरे अपने घर के आंगन में बच्चों का पेड़ लगाया मैंने, वहां से तोड़ तोड़ के यहाँ जमा करता हूँ। चल आप निकल जाते। राघव, ये तो सिर्फ चाबी वाला खिलौना है, इन्हें चाबी देकर नचाने वाला कोई और ही है। ए, किसके लिए काम करता है? बता, बता। नाना भाई का बेटा, चेरी, चेरी। तुम्हारे हाथ में क्या है, मुझे दिखाओ तो। दिखाओ ना। ओ, प्रार्थना कर रहे हो? मैं भी बचपन से कोशिश कर रहा हूँ, ना मुझे कभी भगवान दिखे और ना ही कभी शैतान दिखा। चलो अच्छा है, जम के प्रार्थना करो, भगवान कैसे मदद करेंगे मैं भी देखता हूँ। हे हे रॉबर्ट राघव, कम कम। एक चोर का ठिकाना पुलिस को भले पता चले या ना चले, लेकिन एक दूसरे चोर को जरूर पता चल जाता है। देखो कैसा लगा मेरा साम्राज्य। सॉरी, थोड़ी कंफ्यूजन में लग रहे हो। कम, I'll explain। हम इन्हें दुबई, सीरिया और अनेक देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पर इन सारे बच्चों को सड़क पर भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाएगी। भारी कमाई है बॉस, और इनको चोरी चकारी के काम पे मस्त लगा डालेंगे। एंड दैट इज लेबर, मैरिज और भी बहुत कुछ है यहाँ। इस धंधे से अपनी पता है कितनी कमाई होती है, साल के हजारों करोड़। मैं सिर्फ एक बार कहूंगा चेरी, इन सबको यहाँ से जाने दे। सठिया गया है क्या? ये सब तो ऑलरेडी बिका हुआ माल है यार। ए, छोड़ दे सबको वरना यहीं काट दूंगा। तू मुझे काटेगा? मैं किसका बेटा हूँ तू भूल गया है क्या? तो चलो अब तुम दोनों मेरा टाइम मत बर्बाद करो। वैसे अगर कोई लड़की पसंद आई हो तो उसे ले जाओ। मुझे पता है, मैं उससे बात कर लूंगा, तुम वहां से निकलो। और बच्चों का क्या है? वो मैं सब संभाल लूंगा, बस तुम वहां से निकलो। ऑर्डर मिल गया ना, चलो दोनों यहां से दफा हो जाओ। फुटपाथ की पैदाइश, तुम्हें क्या लगा था तुम दोनों की वजह से नाना अपने सगे बेटे को गवा देंगे? रॉबर्ट, वो तो आधा पागल है, कुछ भी बकता रहता है। तुम निकलो। तुम दोनों लावारिस अनाथ, बाप बेटे का रिश्ता क्या समझोगे? दफा हो जाओ यहां से। रॉबर्ट, ट्रिगर दबाने में एक सेकंड लगता है, लेकिन उसका परिणाम सारी जिंदगी भुगतना पड़ता है, समझे? तुम निकलो वहां से। बॉस, बॉस। भैया, ये देखिए भैया, इन लोगों ने इसकी आंखें फोड़ दी और कल से कुछ खाने को भी नहीं दिया है। भैया, ये लोग बहुत बुरे भैया, मुझे मेरे घर वापस जाना है भैया। आप ही हमेशा कहते हो ना कि जीने के लिए भले ही कुछ भी करो, लेकिन किसी बेसहारा की जिंदगी कभी नष्ट मत करना।
लेकिन ये वही तो कर रहा है। भैया, आपको उसे नहीं मारना है तो मत मारिए, लेकिन हमें मार दीजिए। हर रोज इस नरक में जीने से तो अच्छा है कि कोई हमें ही मार दे। सुन रॉबर्ट, नहीं राघव, रॉबर्ट, राघव, गलती कर बैठोगे, रॉबर्ट, राघव, मेरे पास बताओ। देखो, देखा ना तूने, दोनों की इच्छा साथ में पूरी हो गई। मैंने भगवान के दर्शन कर लिए और तूने शैतान के दर्शन कर लिए। भैया, छोड़ना मत इसे। नहीं नहीं, रॉबर्ट, 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 मेरे पास सुन। रॉबर्ट, मेरी बात सुन। रॉबर्ट, प्लीज रॉबर्ट, रॉबर्ट, राघव, देखो ऐसा मत करना। नहीं रॉबर्ट, 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 तार से पतंग उड़ाने वाले दूसरों की पतंग तो काट देते हैं, लेकिन वो अक्सर भूल जाते हैं कि अपनी उंगली भी कट सकती है। कोर्ट में कटघरा क्यों बना होता पता है? ताकि गुनाहगार को अपनी सफाई देने का मौका मिले। कम उम्र में छोटी सी गलती अगर प्यार से समझाते तो सुधर जाता। गलती करना तो इंसान की फितरत है। बड़ी गलती क्या होती है और छोटी गलती क्या होती है, उसे नापना बहुत मुश्किल है। गुनाह तो गुनाह होता है, बस गुनाहगार को तो सजा मिलेगी। अपने धंधे में रिश्ते नातों की कोई भी अहमियत नहीं होती है। बस कर बेटा, देखो कौन आए हैं। नाना। वाओ, देखो कौन आए हैं। सेफ है ना? हाँ, सेफ है। हाँ?
को पुलिस के हवाले करना वाकई हिम्मत वाला काम है। बिल्कुल सही किया तुमने। I appreciate your decision। कुछ निजी हादसों की वजह से मैंने ये कदम उठाया है। ऐसा करके रॉबर्ट को, नाना को या मेरे दोस्तों को धोखा देने का मेरा कोई इरादा नहीं। इस धंधे की वजह से पहले ही मैं अपनी पत्नी को खो चुका हूं। अब मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहता। मैं अपने बेटे का भविष्य बचाने के लिए ये कर रहा हूं। इस धरती पर मंदिर, स्कूल, जेल, भगवत गीता, कुरान, बाइबल सब क्यों है पता है? ताकि उससे एक मनुष्य को अच्छी सीख मिल सके, वो एक अच्छा इंसान बन सके। दुनिया में अच्छाई भी है और बुराई भी, दोनों में से कौन सा रास्ता चुनना है ये इंसान पर निर्भर करता है। जेल को एक सजा की तरह मत समझना, उसे सीख समझो, बाहर आकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। नाना नाम का गैंगस्टर जो पिछले कुछ महीनों से पुलिस की सख्त निगरानी में था, उसके दाहिने हाथ राघव ने आज खुद को सरेंडर कर दिया है, ऐसा पुलिस कमिश्नर सत्यदेव जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। ये आरोपी अब सरकारी गवाह बनकर नाना की तमाम गतिविधियों की जानकारी। माना उसके साथ हादसा हुआ तो उसने सरेंडर कर दिया, लेकिन ये तो हमारे खिलाफ ही गवाही देने लगा। राघव ऐसा कुछ करेगा मैंने सोचा नहीं था नाना। सरेंडर होने से पहले उसने मुझे बताया तक नहीं उसने गलती कर दी। राघव ने कल जहां मेरा बेटा खड़ा था, आज वहां राघव खड़ा है। मैं आज तक राघव को अपने बेटे का दर्जा देता आया हूं। उस दिन उन बच्चों की जान बचाने के लिए तुमने मेरे बेटे की जान ले ली, लेकिन आज हम सब की जान बचाने के लिए तुम क्या करोगे रॉबर्ट? मुझे यहाँ क्यों लेकर आया उसे? कोर्ट जाने की इतनी जल्दी भी क्या है राघव? एनकाउंटर प्लान कर ही दिया ना सर। वेरी क्लेवर। अगर मैंने तुझे नहीं मारा तो वो किसी और को सुपारी देकर तुझे उड़ा देंगे।
लेकिन अगर मैंने तुझे ठोका तो मुझे 2 करोड़ मिलेंगे। मेरी बस एक आखिरी ख्वाहिश है, तुझे मेरी सुपारी किसने दी? बचपन से तू जिसके साथ काम करता आया है उसी ने। नाना भाई रॉबर्ट जब तक जिंदा है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कौन जानता है, शायद वो भी इसमें शामिल हो। अगर तूने कोर्ट जाकर उसका भी नाम बक दिया तो उसकी भी तो वाट लग जाएगी ना, उसे भी तो अपनी जान प्यारी है। अमाउंट ट्रांसफर हो गया, अब सिर्फ तुझे ट्रांसफर करना बाकी है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, गैंगस्टर नाना के गैंग का एक अहम हिस्सा राघव, जिसने हाल ही में खुद को पुलिस के हवाले किया था, आज एसीपी राठौर को मारकर फरार हो गया है। गलतफहमी तो पति पत्नी के बीच हो सकती है, लेकिन हम गुंडों के बीच नहीं होनी चाहिए रॉबर्ट। लाशों के ढेर बिछ जाते हैं, इंसान के पास 2 कान जरूर हैं, लेकिन वो 2 अलग बातें कभी नहीं सुन सकता, लेकिन हमारी जबान 100 अलग बातें कर सकती है। इसीलिए कई बार हकीकत सबके कानों तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाती। ये सारा खेल सरकार का रचाया हुआ है। आप परेशान मत होइए नाना, राघव को मैं समझाऊंगा। कहाँ जा रहा है राघव? रिवेंज लेना है। किससे लेना है? मुझे मारने के लिए एसीपी को जिसने सुपारी दी थी उससे। ना ना, देखो राघव, ये सब सरकार का खेल है। मेरे खिलाफ षड्यंत्र कौन रच रहा है ये मैं बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ रॉबर्ट, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। सच्चाई जाने बिना अपना होश मत खो बैठना राघव। आज सच्चाई तो तुम्हारी सामने आई है रॉबर्ट, जो दोस्त हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता था वही आज मेरे रास्ते में क्यों खड़ा? शायद तू भूल गया कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन शक होता है। फिलहाल तो तेरी नजर में तेरे दोस्त भी तुझे दुश्मन दिखाई दे रहे हैं। 100 दुश्मनों के खंजर घोंपने से सीने में जितना दर्द नहीं होता उससे ज्यादा दर्द एक दोस्त के पीठ में खंजर घोंपने से होता है रॉबर्ट। अपने हर एक साथी के गले में फांसी का फंदा डाला है तूने, पुलिस के सामने जाकर धोखा दिया है अपने दोस्तों को राघव, और तू मुझे दोस्ती का पाठ पढ़ा रहा है। तेरी इस बेवकूफी के कारण हमारे कितने आदमियों की जान जा चुकी है, इस बात का पता है तुझे? जिन्होंने अपनी जान गंवाई वो कोई फ्रीडम फाइटर नहीं थे, जन्म से ही अपनी मौत का प्रमाण छाप कर आने वाले अपराधी थे। लेकिन इसमें मेरी पत्नी का क्या कसूर? सिर्फ हमारे पापों की सजा मिली है उसे। अगर वो उस दिन अपने पिता की बात मानती तो आज उसकी बलि नहीं चढ़ी होती। मैं अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर आज कोई भी मेरे रास्ते में आया तो मैं उसे चीर कर रख दूंगा। चीर कर रख देने का धंधा तुझे किसने सिखाया, शायद तू भूल गया। आखिर जो दिल में है वो एक एक करके जुबान पे आ रहा है। वो एसीपी सही कह रहा था, जिसने मुझे मारने की सुपारी दी उसके साथ तू भी मिला। क्या? अगर मुझे तुझे मारना ही होता ना तो तू यहां जिंदा नहीं खड़ा होता। एक शेर को शिकार करने के लिए गीदड़ों की जरूरत नहीं होती, वो काम खुद तमाम कर देता। रॉबर्ट, मेरे बदले के रास्ते में जो भी आएगा उसे मार दूंगा, भले ही वो मेरा दोस्त क्यों ना हो। मेरे उसूलों के रास्ते में भी कोई नहीं आ सकता, चाहे वो मेरा दोस्ती क्यों ना हो। गन और बुलेट के बीच कितनी भी गहरी दोस्ती क्यों ना हो, सिर्फ एक बार ट्रिगर दबा देने पर दोनों ही पिछड़ जाते हैं।
गन और बुलेट की गहरी दोस्ती सिर्फ तब टूटती है जब कोई तीसरा आके ट्रिगर दबाता है और वो बुलेट गन के निशाने पर चला जाता है। लेकिन एक बार गन से बिछड़ने के बाद बुलेट वापस नहीं आ सकता। राघव, रॉबर्ट, दोनों गद्दारों ने मिलकर मेरे बेटे को मार डाला और मेरे पास चले आए। क्या लगा तुम्हें मैं सब कुछ भूलकर दोनों को गले लगा लूंगा? मेरे बेटे के जरिए उस धंधे को चलाने वाला सिर्फ मैं था। जिस दिन तुमने उसे मारा था मैंने उसी दिन वचन लिया था कि तुम दोनों को मौत के घाट उतारूंगा। उस दिन बर्थडे पार्टी में हमला मुझ पर नहीं तुम पर था। बच गए साले। हम दोनों भाई एक ही दरवाजे के दो हिस्से हैं। हमारे बीच बहुत लोग आए गए फिर भी हम एक ही हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि खून का रिश्ता आखिर खून का रिश्ता ही होता है बेटा। ये रिवेंज एनकाउंटर वगैरह वगैरह जो हो रहा है वो मेरी मेरे भाई की एसीपी की मिली भगत है। मेरे बेटे को मारकर मेरा सारा साम्राज्य छीनना चाहते थे। हाँ भैया, इन्होंने हमारे चेरी को भी बेरहमी से मार डाला था। खत्म कर दो इन्हें जल्दी से। जल्दी मारना होता तो कब का उड़ा चुका होता। इनकी मौत तो बहुत यादगार होनी चाहिए। हाँ चलो शुरुआत करते हैं। रॉबर्ट पकड़ना। इतना सोच क्या रहा है? रॉबर्ट गोली चला। रॉबर्ट सिर्फ पैर पे गोली चलाई? अरे तू कांस्टेबल है क्या? यू आर अ शूटर। सीने पर मार। चला गोली जल्दी कर। पकड़ ये। शूट कर। अरे रॉबर्ट, दिल राइट साइड पर नहीं लेफ्ट साइड पर होता है। जल्दी कर। इस बच्चे को छोड़ दें क्या सरकार? क्यों नहीं, जिससे ये बड़ा होकर हम सबकी वाट लगाते। तो फिर क्या करें इसका? इसके बाप ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया था। लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, आज मेरा बदला पूरा हो गया। इस बच्चे के साथ साथ इन दोनों को भी कंटेनर में डाल के समंदर में फेंक दो। और रॉबर्ट राघव को मार के फरार हो गया है, ये बात मीडिया में फैला दो। राघव, अपने बच्चे की खातिर रोट। राघव, तुझे कुछ नहीं होगा, तू चल। लड्डू को ले जाओ रॉबर्ट, मैं नहीं बचूंगा। राघव मेरी बात सुन, आपको इसका ध्यान रखना है। बचपन से एक पिता की तरह आप मेरा ख्याल रखते आए हो, लेकिन आज से मेरे बेटे के पिता माँ सब कुछ बस आप ही हो बॉस। इसे कहीं दूर लेकर जाओ। मुझसे एक वादा करो रॉबर्ट, हमारे धंधे का साया तक मेरे बेटे पर पड़ने नहीं दोगे, किसी से बदला नहीं लोगे। राघव कुछ नहीं होगा, चल। ए राघव, राघव
राघव से किए हुए वादे के कारण मैं और बॉस यहाँ आ गए और हमने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उस बच्चे को हकलाने के कारण कहीं दिल में निराशा ना पैदा हो जाए, इसीलिए रॉबर्ट ने अपनी बोली उसके जैसी बना ली। ये अपने प्राण त्याग देगा लेकिन उस बच्चे पर खरोंच तक नहीं आने देगा। मेरी आपसे विनती है, हमारी सच्चाई के बारे में किसी से कुछ मत कहिएगा। बॉस यहाँ क्या कर रहे हो? चलो ना नाश्ता करते हैं। हो गया, अम्मा ने खिला दिया। अम्मा ने खिला दिया? कौन सी अम्मा? हेलो, मैंने बॉस ये अम्मा नहीं है, अमृता मैडम है। पता है बॉस, वैसे स्टैमिंग हमेशा पहले लेटर में होती है ना, लेकिन इनका नाम बोलते वक्त लास्ट लेटर में होती है। सो अमृता से रिता निकाल कर अम्मा निकलता है। तुमने जिंदगी में पहली बार अम्मा शब्द का जिक्र मेरे सामने किया है, शायद मुझसे ही कोई कमी रह गई होगी। नहीं बॉस, मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश करूंगा। चलो अब स्कूल के लिए देर हो रही है। ये आप किन चक्करों में पढ़ रही हैं मैडम? वो कौन है, उनका अतीत क्या है और उनके हालात क्या है, सब जानने के बाद भी? बाबू अगर वो औरों की तरह कोई आम इंसान होता तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो धैर्य के मामले में श्री राम जैसा है, वादे के मामले में दशरथ राम जैसा, प्यार के मामले में जानकी राम जैसा और क्रोध के मामले में कोदंड राम जैसा। अगर किसी मनुष्य में प्रभु श्री राम जी के इतने सारे गुण भरे हो तो दुनिया तो उसकी दीवानी होगी ना। पूरा है, जयराम जी की। जयराम जी की। हाँ बोल बाबू। भाई कल रात जिस बर्थडे पार्टी में हमारे यहाँ से खाना गया था ना, उसके कारण लोगों ने फूड पॉइजनिंग की कंप्लेन दर्ज की है। तहकीकात करने के लिए मालिक को पुलिस ने थाने बुलाया है। मैं आता हूँ। ओके। हेलो, मैं लखनऊ पब्लिक स्कूल से अर्जुन की टीचर बोल रही हूँ। आज अर्जुन स्कूल नहीं आया। क्या कह रही है मैडम? सर कुछ ही देर पहले तो मैं उसे स्कूल के बाहर छोड़कर गया था, आखिर कहाँ गया वो? कहाँ गया वो? काम डाउन राघव जी, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। नहीं सर, आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? नमस्ते मैडम, मैं अर्जुन का पिता बोल रहा हूँ। आज राजू स्कूल नहीं आया ना, अर्जुन भी स्कूल में नजर नहीं आ रहा है, कहीं वो आपके यहाँ तो नहीं? नहीं नहीं, राजू तो अपनी नानी के घर गया है। मैं अर्जुन का फादर बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। बंटी घर पे है क्या? जी आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज उसे स्कूल नहीं भेजा। बच्चे को कहीं देखा? जी नहीं। हेलो राघव, डैड को पुलिस स्टेशन पता चला मैडम, और वो उनके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करने की बात कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए मैडम, मैं बस पहुंच रहा हूँ। बोलो बाबू। बॉस त्रिपाठी के मर्डर केस में पुलिस वाले आपको ढूंढते हुए घर तक आ गए थे, आप थोड़ा चौकन्ना रहिएगा। ए, क्या है? सॉरी भैया। हाँ चल बेटा। रॉबर्ट तेरी खामोशी कह रही है कि तू मुझे पहचान गया। अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। वैसे तेरा और मेरा भी खून का रिश्ता है रॉबर्ट। तूने मेरे बेटे का खून बहाया और मैंने तेरे दोस्त का खून बहा दिया। हम दोनों के इस अनोखे खून के रिश्ते को एक ही बार खत्म करने के लिए मुझे कर्नाटक से लखनऊ आना पड़ा, और यहां आते ही मैं तुम्हारे मतलब राघव के बेटे के साथ शतरंज का खेल खेल रहा।
अच्छा वैसे तेरी वो केटरिंग का मालिक भी अरेस्ट हो गया और त्रिपाठी मर्डर केस में पुलिस तुझे ढूंढ रही है। अब तो बचकर कहां भागेगा? अरे तेरी तो वाट लग गई। किस किस को बचाएगा रॉबर्ट? किस किस को बचाएगा बेटा? खून खौल रहा होगा ना तेरा, हा? मगर तू तो लाचार है बेटा, बड़ी मुसीबत में है तू। तू तो अपने हथियार वथियार त्याग कर अज्ञातवास ले चुका है पांडुओं की तरह। वनवास काटने वाले सभी अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर पांडवों की तरह रह रहे, ये आपकी गलत फहमी है नाना। प्रभु श्री राम ने रावण का वध भी वनवास के समय में ही किया था। इन हाथों को शबरी के आगे झुकना भी आता है और रावण का वध करना भी। अब फैसला तुम कर लो कि शबरी की तरह जियोगे या रावण की तरह मरोगे। द काउंटडाउन स्टार्ट्स। तुम्हारे फ्रेंड ने मेरे घोड़े को मार दिया। मैं इसका रिवेंज लेकर ही रहूंगा। कूल बेटा, सिर्फ घोड़े को मरता देखकर इतना परेशान मत हो, क्योंकि नेक्स्ट हाथी को मारने वाला बेटा। लड्डू, एक कहानी सुनोगे? कौन सी कहानी अंकल? जिसमें दुर्योधन करण का कत्ल कर देता है। लेकिन वो दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हाँ, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। लेकिन इस कहानी में दुर्योधन अपने दोस्त करण को मारकर हस्तिनापुर छोड़कर अयोध्या चला जाता है और हनुमान जी के भेष में जिंदगी जीने लगता है। बहुत अजीब कहानी है अंकल। हाँ, बहुत अजीब है ये कहानी। रामायण में भी नहीं है और महाभारत में भी नहीं है। ये कहानी सिर्फ मुझे पता है। चलो बताओ, जब करण के बेटे के सामने वो दुर्योधन जाएगा तब उसे क्या करना चाहिए? बताओ ना बेटा। रिवेंज, बदला लेना चाहिए। ये लो, रिवेंज ले लो। मैंने अभी जो कहानी सुनाई वो कहानी नहीं है, उस करण के बेटे तुम हो और दुर्योधन वो है। कमाल कर दिया भाई, हाथी को मारूंगा बोल के सीधे चेकमेट ही कर दिया। ये आदमी जो बात इस बच्चे से इतने सालों से छुपाता चला आया है वो आपने इसे एक चुटकी बजाते ही समझा दी। बेचारा, आपकी इस चाल के बाद इसका बचना बहुत मुश्किल है। खेल खत्म हो गया रॉबर्ट। आप सब लोग कौन हैं? और आप लोग बार बार मुझे रॉबर्ट रॉबर्ट क्यों बुला रहे हैं? मैं रॉबर्ट नहीं, राघव। लड्डू, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है, किसी भी अनजान आदमी के बुलाने पर उसके साथ नहीं जाते हैं। आज कुछ भी बंक किया है तुमने। तुम्हारी टीचर फोन करके मुझे डांट रही थी। चलो 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 घर चलो। सर, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। आपका वो रॉबर्ट मैं नहीं हूं। चलता हूं। लड्डू, बड़े दादू और छोटे दादू को बाय बोलो। बाय बाय। ए, जरा रुक बे।
इतनी दूर से फ्लाइट पकड़कर हम लोग इतने सारे लोग यहाँ आए हैं और तू बिना लड़े ही यहाँ से भाग रहा है, बावला समझ रखा है मैं? तो वाकई रॉबर्ट नहीं है। सर आपको मुझ पर इतना शक क्यों है? हाँ हाँ एक मिनट, हाँ हाँ ये देखिए सर, मेरा आधार कार्ड है सर, और ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, मैं राघव हूँ सर। रॉबर्ट नहीं है? मैं राघव हूँ सर। अच्छा, इस राघव के अंदर छुपे रॉबर्ट को बाहर कैसे लाना ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सर मैं हाथ जोड़ता हूँ, हम छोड़ दीजिए। बॉस क्या हुआ बॉस? वो तुम्हें इतना मार रहे हैं फिर भी तुम चुप हो, तुम इन्हें वापस मारो ना। झगड़ा करना अच्छा नहीं होता बॉस, बेचारे कोई और समझकर नहीं जानते ना मुझे, इसलिए सर मैं कोई रॉबर्ट नहीं हूँ सर, प्लीज हमें छोड़ दीजिए ना सर। लड्डू चले जाके कमरे में बंद कर। समझ कीजिए सर, सर बच्चा है सर। लड्डू दरवाजा खोल। गलती कर बैठे सरकार। उसी बच्चे के पिता को दिए हुए वचन की बदौलत आज तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं और तुमने उसे ही अंदर बंद कर दिया। दरवाजा खोलो। नहीं हूँ सर, हमें छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर। सर सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए सर, जाने दीजिए। लड्डू सर सर हमें जाने दीजिए सर, प्लीज सर। दरवाजा खोलो। सर सर मैं आपके पाँव पड़ता हूँ सर, मुझे बहुत दर्द हो, मुझे छोड़ दीजिए ना सर, प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए ना सर, मैं पाँव छूता हूँ। ये हॉलीवुड वाले बेकार के एक्टरों को ऑस्कर बांटते रहते, इस बेचारे को दे दो यार ऑस्कर। पहले उस दरवाजे को खोल के दे, उस बच्चे को बाहर निकाल जा। Hey! Oh!
ए, सुन सुन छोटू, तुम वहीं रुक, हिलना मत, दरवाजे के पास मत जाना। क्यों? आप मेरे पापा को मार डालना चाहते हो? नहीं यार, प्लीज बेटा, एक मिनट तू वहीं रुक ना, वहीं रुक। दरवाजा तोड़ दूंगा, दरवाजा खोलो। दौड़ा दौड़ा कर भी शिकार नहीं कर सकता तेरा, क्योंकि तेरे अंदर तो भागने की शक्ति भी नहीं है। बुढ़ा हो चुका है, लेकिन बदले की आग बुझी नहीं लगता है। मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूं, लेकिन मेरे अंदर जो ज्वालामुखी भड़क रहा है ना, उसका तापमान इस जन्म में तो क्या, अगले 10 जन्मों के बाद भी कम नहीं होगा। कुछ लोगों का पाप का घड़ा जब भर जाता है तो नर्क की सारी टिकटें अगर फुल भी हो तो तत्काल में उनकी बुकिंग हो जाती है। इसे कहते हैं कर्मा। और जो लोग बदले की भावना को भुलाकर शांति से जिंदगी गुजार रहे होते हैं, अक्सर उन्हें ही इसी टिकट काउंटर पर नौकरी मिल जाती है। इसे कहते हैं धर्म। नाना, तुम जिस खेल को जिंदगी भर खेलते आए हो, उसी शतरंज के खेल में जिंदगी की सच्चाई छुपी है। खेल खत्म होने के बाद राजा, मंत्री, सैनिक में अंतर किए बिना सभी को एक ही डब्बे में बंद कर देते हैं। इसी बात की गहराई समझकर ये रॉबर्ट राघव बन गया। अगर मुझ में भी तुम्हारी तरह बदले की आग भरी होती तो आज तुम में से कोई भी यहां तक नहीं आ पाता। मेरे दोस्त राघव से दिए हुए सिर्फ एक वचन को निभाने के लिए मैं तुम सबको जिंदा छोड़कर यहां आ गया। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, तुम लोगों को घुमाकर मेरे पास यहां लेकर आ गई, लेकिन मैं अपने दोस्त को दिया हुआ वचन आज भी नहीं तोड़ूंगा। तुम लोगों को सजा भगवान स्वयं। बॉस, 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 तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? बॉस, वो सब लोग कौन थे बॉस? वो जिस रॉबर्ट को ढूंढ रहे थे वो मिल गया बॉस। काश उन्हें वो पहले ही मिल जाता, कम से कम तुम्हारी इतनी पिटाई तो नहीं होती ना। ये सब छोड़ो बॉस, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना, मेरे लिए बस इतना ही बहुत है। चलो चलो, मेला शुरू होने वाला है। हाँ चलो। तुमने मुझे पुनर्जन्म दिया है बेटा। तुमने जैसे ही कॉल किया मैंने तुम्हारे मालिक को उसी वक्त पुलिस से छुड़वा दिया। लेकिन तुम इससे भी कुछ बड़ा मांगो। शर्माओ मत बेटा, मांगो। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है ना, और आप ही के हाथों रावण का दहन होने वाला है। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या इस बार रावण को जलाने का मौका मेरे बेटे को मिल सकता है? कितने मासूम हो बेटा तुम। बिल्कुल मिल सकता है। ओके राघव, अंकल आप जिसकी बात कर रहे थे वो यही है क्या? हर्षा, मैं जिस रॉबर्ट की बात कर रहा था ये वो नहीं है। जो पौधा वृक्ष बन चुका हो उसे जड़ से नहीं उखाड़ते हैं। लड्डू, रावण का दहन करूंगा।